ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम एक फ्रेश रीडिंग के साथ आए हैं जिसमें हम आपके लिए नो कॉन्टैक्ट रीडिंग लेके आए हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम देखेंगे आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज और उनके लव मैसेजेस एंड फाइनली आपको क्या करना चाहिए। अगले एक हफ्ते की ये रीडिंग होगी फ्रेंड्स, कि उनकी क्या एक्शन दिख रही है, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या वो कुछ करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जिन्होंने मेरे चैनल पे फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है और जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे इस चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प करते हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें और आगे भी मुझे अपना सपोर्ट देते रहें। अगला, आप इस रीडिंग को अपने नाम राशि, जैसे हमारे नाम से भी राशि बनती है, जैसे मेरा नाम शिखा है तो मेरी राशि बनती है कुंभ, लेकिन अगर मैं अपनी वैसे राशि डेट के हिसाब से देखूं, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, तो वर्गो बनती है, और अगर अपनी कुंडली के हिसाब से देखूं तो मीन राशि बनती है। सो इसी हिसाब से आपको देखना है कि आपकी कौन सी राशि बनती है, प्लस आप किस राशि से सबसे ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि हाँ वो रीडिंग जो है वो मेरे से मैच करती है, उसकी एनर्जीज मेरे से मैच करती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप उस रीडिंग के अकॉर्डिंग ही, उस साइन के अकॉर्डिंग ही रीडिंग देखें। सो अब जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक क्लैरिफिकेशन हो गई, एंड जस्ट स्टार्ट द रीडिंग फ्रेंड्स। ऑल राइट, सो पाइसिस राशि, आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि इस नो कॉन्टैक्ट में आपकी क्या एनर्जीज हैं, क्या दिख रहा है आपकी एनर्जीज में। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी, फिर आपके पार्टनर की, और फिर उनके लव मैसेजेस, एंड देन डिवाइन गाइडेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं पाइसिस की क्या करंट एनर्जीज हैं इस नो कॉन्टैक्ट में फॉर नेक्स्ट वन वीक। ठीक है, फोर ऑफ एयर, किंग ऑफ अर्थ, फोर ऑफ वाटर एंड नाइन ऑफ वाटर। देखिए, सब तरह की आपकी एनर्जीज आ गई, जिसमें आप कहीं ना कहीं एयर भी आ गया, अर्थ यानी पेंटिकल्स भी आ गए, स्वॉर्ड्स भी आ गई, और आपके कप्स भी आ गए। जिस भी आप रिलेशनशिप में हैं, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई पाइसिस, आपने बहुत अपनी तरफ से एफर्ट लगाया, बहुत ज़्यादा चीज़ें करी इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए, आपने शायद उस पर्सन को इतना ज़्यादा स्पेशल फील कराया या इतना ज़्यादा स्पेशल बिहेवियर दिया कि वो उस चीज़ को शायद रेसिप्रोकेट नहीं कर पाई, यानी कि आपको बदले में वो चीज़ नहीं मिल पाई, और शायद उसी का रीज़न है कि आपने अब कितना भी उदास हो लिया हो, आपने हर एक चीज़ शायद ऊपर वाले को सरेंडर कर दिया है। यू हैव सरेंडर एवरीथिंग ऑन गॉड। हालांकि आपको अभी भी लगता है कि यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है, यहाँ पर मेरी चीज़ें वक्त के साथ शायद सुधर जाएंगी, शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, शायद समय के साथ एक स्टेबिलिटी आएगी, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है। ठीक है, और आप ऊपर वाले से बहुत कनेक्ट होने की कोशिश भी करते हैं। सो मुझे जो दिख रहा है, आप पॉजिटिव हैं, लेकिन आपके अंदर की जो स्ट्रेस है, जो नेगेटिविटी है, आप उसको संभालने के लिए हर चीज़ को ऊपर वाले पे छोड़ दिया। आपने बस ये देखा है कि क्योंकि ये चीज़ें नहीं हो रही हैं मेरी लाइफ में, मैं इन्हें ऊपर वाले पर ही छोड़ दूँ तो ही बेटर है, इससे मैं और कुछ भी नहीं कर सकती या कर सकता। सो आपने ट्रस्ट अपना सारा ऊपर छोड़ दिया है, और इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं करने वाले। सो ये मुझे दिख रहा है आप, और एक चीज़ मुझे और नज़र आई है कि आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस भी कर रहे हैं। एक चीज़ और है, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ कि आप दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी स्पाइसेस, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या एनर्जी में है, क्या वो एक थॉट प्रोसेस में है। सो सबसे पहला है सिक्स ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स,
एंड पेज ऑफ कप्स एंड वी हैव द एम्प्रेस। देखिए पाइसिस, अभी तक आपके पार्टनर को ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि आप कितने स्पेशल हैं, आप उनकी लाइफ में कितनी ग्रोथ लाते हैं, कितनी हैप्पीनेस लाते हैं। ये सिर्फ आपकी एनर्जी में, रीडिंग में अभी तक आया है कि आपके पार्टनर अब आपके साथ रिकंसिलिएशन चाहते हैं। समवेयर उनकी जो खुद की लाइफ है वो इतनी बर्डनसम हो गई है, इतनी डेड एंड पे आ गई है, और जिस तरह से उन्होंने इन चीज़ों पे गिव अप किया था, अभी आपको नो कांटेक्ट में डाला था, अब वो खुद ही ऐसे हो गए हैं कि उन्हें खुद को ही नहीं समझ में आ रहा। अब ये वाले कार्ड से देखिए कि कहाँ तो सिक्स ऑफ कप से वो रिकंसिलिएशन चाहते हैं, कहाँ वो अब एक ऐसी जगह पे जाकर चुपचाप शांति से बैठ गए हैं कि उन्हें आगे का रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा। अब मुझे दिखता है बहुत स्ट्रांगली, हो सकता है आपको शायद आने वाले दिनों में कोई प्रपोज़ल आए या कोई बातचीत हो, कोई मैसेज कॉल आए कि जिसमें ये आपको बताएं कि हाँ मुझे सारी चीज़ें ठीक करनी हैं, आई वॉन्ट टू कम बैक, आई वॉन्ट टू रीस्टार्ट या कुछ इस तरह का। नाउ दिस इज़ ऑन यू पाइसिस कि आप क्या इन्हें मौका देना चाहते हैं, क्या आप इनके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, सो आपको ना बहुत सोचना है, अभी बहुत दिमाग लगाना है और फिर एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना है। तो कोई बहुत बड़ा डिसीज़न जल्दबाजी का ना लें, पर हाँ सोच कर एक अच्छा डिसीज़न बनाएं। सो ये मुझे दिख रहा है आपकी एनर्जीज़, पार्टनर की एनर्जीज़ फॉर वन वीक, जो कि वो मुझे रिकंसिलिएशन करते दिख रहे हैं और मन बना रहे हैं अपना। आइए देखते हैं क्या है उनके लव मैसेजेस। ठीक है, यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग तो थी, लेकिन वही है कि उन्होंने चीज़ें ऐसी गलत करी और गड़बड़ करी बीच में, जिसकी वजह से सारी अंडरस्टैंडिंग की धज्जियाँ उड़ा दी उन्होंने। ठीक है, यू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन, जो कि आपने हमेशा से उनकी रिस्पेक्ट की है, आपने हमेशा उन्हें एक ऐसे लेवल पर बिठाया है जहाँ पर वो आप उन्हें स्पेशल बनाते थे, और ये चीज़ उन्हें पता है। जब आप नहीं है ना, नो कांटेक्ट में है, तो वो स्पेशलिटी उनकी लाइफ से चली गई है। एंड यू आर ऑनेस्ट विद मी, सो पाइसिस आप उनके साथ ऑनेस्ट रहे हैं, वो रहे हैं या नहीं रहे हैं ये तो हम नहीं कह सकते, बट आप उनके साथ बहुत ऑनेस्ट रहे हैं। ठीक है, सो ये तो मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस। आइए अब हम देखते हैं क्या है डिवाइन गाइडेंस फॉर पाइसिस राशि। सो पाइसिस के लिए क्या है डिवाइन गाइडेंस, हम निकालेंगे, हम देखेंगे पाइसिस के लिए क्या है डिवाइन गाइडेंस। सो पाइसिस, यू हैव टू कम्युनिकेट क्लियरली। जो सिचुएशन आपके सामने आए, जो बात आपके सामने आए, यू हैव टू टॉक विद दैट पर्सन डायरेक्टली और सामने से आकर। आपने कोई भी बात छुपानी नहीं है, मैन्युपुलेट नहीं करनी है, क्लियर करनी है। हेल्पफुल पीपल, सो लोग आपकी तरफ आएंगी, चीज़ें आपकी तरफ आएंगी और बदलेंगी भी। ठीक है, सो आपने मदद करनी है लोगों की, और आपको भी लोग हेल्पफुल मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, जो आपको रास्ता बताएंगे। एंड रिमेन पॉजिटिव, तो अगर आप अभी तक बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे या नेगेटिव पैटर्न में चले गए थे, क्योंकि आपकी रीडिंग में दिख रहा था कि आप कैसे, आपने हर चीज़ सरेंडर कर दी, आप बहुत परेशान रहे, आपने 200% दिया इस रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई। सो नाउ इज़ द टाइम कि आप पॉजिटिव रहें, आप अपनी बात साफ साफ रखें, और डिवाइन आपके पास ऐसे लोग भेजेंगे जो आपको क्लियर करेंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, सो ये है माई डियर पाइसिस आपकी रीडिंग, एंड आई होप फ्रेंड्स आपको इससे बहुत क्लैरिटी मिली हो। अगर ऐसा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें। मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।